हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लाए हैं कक्षा 12वीं के लिए हिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके इंटर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो आप समय से जो भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आप सभी के लिए ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो कि इंटर एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। है दोस्तों, क्या हुआ था कि पिछले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर 15 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिए हैं, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे पूरे 16 से लेकर 60 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आज का पहला सवाल है हमारा कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। पहला ऑप्शन मिला है युधिष्ठिर को, भीष्म को, उसके बाद में अर्जुन को, ऑप्शन डी में दिया गया है भीम को। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला सवाल है हमारा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो आप सभी को बता दें कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत का युद्ध चला था वो 18 दिन तक चला था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 दिन। अगला सवाल यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि सांची में बौद्ध स्तूप का जो निर्माण हुआ था वो सबसे पहले अशोक के काल में हुआ था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर सम्राट अशोक हो जाएगा। अगला सवाल जो है क्वेश्चन 19 की त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। तो जो त्रिपिटक चाहे द्विपिटक का जो संबंध होता है वो किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगला सवाल क्वेश्चन 20 में दिया गया है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश के द्वारा बना था। एलोरा में जो कैलाश मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो किस राजवंश के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। चलिए आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन 21 में दिया गया है, नैनार किस धर्म से संबंधित है। हे दोस्तों, नैनार जो है वो शैव धर्म से संबंधित है। तो आपसे आपके इंटर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नैनार का जो संबंध है वो किस धर्म से है। क्वेश्चन का राइट आंसर शैव धर्म हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 22 की किताब उल हिंद की रचना किसने किया था। दोस्तों, आपसे बता दें कि किताब उल हिंद की रचनाकार जो है वो अल बेरूनी है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल बेरूनी। अगला सवाल क्वेश्चन 23 में दिया गया है, किताब उल रेहला में किसका यात्रता वृतांत मिलता है। तो किताब उल रेहला में किसका यात्रता का जो वृतांत मिलता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर इब्न बतूता हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी में मौजूद है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, शंकराचार्य का संबंध है। दोस्तों, शंकराचार्य का जो संबंध है वो किससे है। पहला ऑप्शन मिला है अद्वैतवाद से, द्वैतवाद से, द्वैतवाद से, उसके बाद में वैश्विक द्वैतवाद से। दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर अद्वैतवाद हो जाएगा, चूंकि शंकराचार्य का जो मत कहलाता है वो अद्वैतवाद कहलाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 25 में दिया गया है कि कौन संत, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि कौन से संत महाराष्ट्र के नहीं थे। यहाँ पे 3 संतों का नाम है जिसमें से आप सभी को बताना है कि कौन से संत है जो महाराष्ट्र के नहीं थे। तो तीनों आपका ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल क्वेश्चन 26 में दिया गया है, बंगाल में वैध शासन लागू करने का श्रेय किससे है या किसे है। बंगाल में जब वैध शासन जो लागू किया गया है उसका जो श्रेय जाता है वो किससे है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कोलायु हो जाएगा, चूँकि कोलायु के द्वारा ही बंगाल में वैध शासन लागू स्थापित किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन 27 में दिया गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये आपके इंटर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, आपसे बता दें, पहला से मिला है 1600, 1605, 1610, 1615, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो लगभग 1600 में हुई थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो सवाल है काफ़ी सिंपल है कि 1857 ईस्वी की क्रांति को किसने सर्वप्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा था। तो उसका जो राइट आंसर होगा, आपके एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से आपका एक ऑप्शन रहेगा बीडी सावरकर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बीडी सावरकर हो जाएगा। आपसे बता दें कि 1857 ईस्वी क्रांति के समय में बहुत सारे हर राज्य से अलग अलग योद्धाओं के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो आगे चल के उस क्वेश्चन को भी हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे देख ही रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 29 में आ ही गया कि बिहार की जगदीशपुर के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था।
तो बिहार में एक क्रांति हुआ था 1857 ईस्वी के समय, तो जगदीशपुर के क्रांति का जो नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे दोस्तों, तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में के जगदीशपुर के क्रांति का नेतृत्व किया गया था। आपके इंटर एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, तो आप आंसर लिखेंगे बेगम हजरत महल। उसके बाद में बोला जाएगा कि झांसी का नेतृत्व किसने किया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, तो पीरअली हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 30 में दिया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। हे दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था वो 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में ही गेटवे ऑफ इंडिया यानी इंडिया का गेट का निर्माण हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन 31 में दिया गया है कि 1609 ईस्वी में हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो हॉकिंस जो है एक प्रकार का अंग्रेज का नाम है, तो 1609 ईस्वी में एक अंग्रेज एक मुगल शासक के दरबार में आया था। तो आज सभी से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आखिर वो मुगल दरबार मुगल बादशाह का नाम क्या था, तो वो मुगल बादशाह का जो नाम था वो जहांगीर था, चूँकि जहांगीर के शासनकाल में ही हॉकिंस मुगल शासक के दरबार में आया था। अगला सवाल क्वेश्चन 32 में दिया गया है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था। दोस्तों आपसे बता दें कि पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था वो 1510 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1510 ईस्वी हो जाएगा। अगर आपके इंटर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो 1510 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे। दोस्तों आपसे बता दें, ये इंटर एग्जाम में बहुत इंटर एग्जाम के साथ साथ कई सारे प्रतियोगिता एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा, या ऐसे भी बोला जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे। तो दोस्तों आपसे बता दें कि महात्मा गांधी के जो राजनीति गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला जो सवाल है वो काफ़ी सिंपल है, नारा से रिलेटेड है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दोस्तों आपसे बता दें, इसके लिए चार ऑप्शन है, गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस, तिलक ने और नेहरू ने। तो दोस्तों आपसे बता दें कि दिल्ली चलो का जो नारा दिए थे वो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके इंटर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किए थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप, सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल क्वेश्चन 35 में दिया गया है, मुस्लिम लीग ने मुस्लिम हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई थी। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमान हेतु पृथक राष्ट्र की यानी पाकिस्तान की जो मांग उठाई थी वो कब उठाई थी। तो पहला ऑप्शन है 1938 ईस्वी में, 1940 में, 1942, 1947 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो बुक में सही जवाब था वो 1940 ईस्वी था, आप इसका आंसर देख लीजिएगा। हमें ऐसा लगता है कि शायद भारत जब देश आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में ही, तभी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो ऐसे परिस्थिति में क्वेश्चन का राइट आंसर 1947 होना चाहिए, हालांकि बुक में 1940 दिया गया है, आप इसका आंसर अपने बुक में देख लीजिएगा। अगला सवाल कुछ 36 में दिया गया है कि दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया था। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिस आंदोलन का नाम दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मेन लक्ष्य था वह था नमक कानून को तोड़ना, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी नमक कानून किसके द्वारा तोड़ा गया, तो दांडी यात्रा के दौरान तोड़ा गया था। अगला जो सवाल है क्वेश्चन 37 में कि 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों आपसे बता दें कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन हुआ था जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही एक और आंदोलन हुआ जिसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में 1920 के बाद में 1922 में क्या हुआ था, तो चौरा चौरी कांड हुआ था। 1922 से हम जस्ट आगे बढ़ेंगे तो हमारा मिलेगा 1930। तो 1930 में जो आंदोलन हुआ था उसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, जिसमें नमक कानून को तोड़ा गया था। उसके बाद में अंत में 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का गठन किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़कर लौटना पड़ा। अगला सवाल क्वेश्चन 38 में दिया गया, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपसे आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो वैसे परिस्थिति में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आपसे बता दें कि अगर आपके एग्जाम में संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो आपको लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद ऐसे परिस्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वैसे परिस्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, संविधान भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। तो भारत का जो संविधान बना था उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे थे, लेकिन इसे अंगीकृत किया गया था तो वो 1950 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 1950 ईस्वी में किया गया था। यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि भारत का संविधान पूरे भारत में कब लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला सवाल है कुछ में 41 में कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों आपसे बता दें कि पानीपत का एक नहीं बल्कि तीन तीन लड़ाइयाँ हुई थी, तीन तीन युद्ध हुए थे। तो पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1556 ईस्वी में। तीसरा जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1761 ईस्वी में। तो आपको तीनों याद कर लेना होगा, क्योंकि तीनों में से आपका कोई एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में। दूसरा कब हुआ था, तो 1556। तीसरा कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में। अगला सवाल, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का जो महानतम शासक था वो कृष्णदेव राय था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 में कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था। तो दोस्तों आपसे बता दें कि भारत जो पहुंचा था वास्को डी गामा वो 17 मार्च 1498 ईस्वी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 मार्च 1498 ईस्वी में। अगला सवाल काफ़ी इंपोर्टेंट है कि गोपुरम का संबंध किससे है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि गोपुरम, तो गो का मतलब गौ होता है यानी गाय, तो गाय इसका बिल्कुल सही जवाब नहीं है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा, चूँकि गोपुरम का संबंध जो होता है वो मंदिर से होता है। अगला बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न आपसे मोबाइल स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आईन ए अकबरी जो है वो तीन भागों में विभक्त है। आपको एग्जाम में ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं कि आईन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल खोजन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कुछ नंबर 46 की औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। दोस्तों आपसे बता दें कि औरंगजेब ने जहांगीर का पुत्र औरंगजेब, ठीक है, ये जो अंतिम भाग जो अपना बिताया था वो दक्षिण भारत में बिताया था। ठीक है, तो अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो वो है फतेहपुर सीकरी नहीं बल्कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अजमेर। अगला सवाल, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों आपसे बता दें कि 1853 में ही भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। और कहां से कहां तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक भारत में रेलवे का परिचालन किया गया था। अगला सवाल काफ़ी सिंपल कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपसे बता दें कि 13 अप्रैल 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायल के कहने पर गोली चलवाकर काफ़ी मजदूर को मारा गया था। अगला सवाल क्वेश्चन 50 में दिया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 1911 हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली वीडियो को नहीं देख पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।